गुड मॉर्निंग। यस्टरडे कल मैंने आप सभी से चर्चा किया था कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी संविधान में प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है और बिना प्रतिफल के संविधान अस्तित्व में नहीं आ सकता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिसमें बिना प्रतिफल के भी संविधान अस्तित्व में आ सकता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ द कॉन्सिडरेशन, प्रतिफल के अपवाद। बिना प्रतिफल के संविधान किन किन परिस्थितियों में आ सकता है? तो कल मैंने चर्चा किया था बाय लव एंड अफेक्शंस। मैंने कल चर्चा किया था कि अगर स्नेह और प्यार में कुछ ऐसे संबंध होते हैं, निकटवर्ती संबंध होते हैं, उन निकटवर्ती संबंधों में यदि संविधान होता है और यदि प्रतिफल नहीं दिया जाता है, उसके बावजूद भी यह माना जाएगा कि संविधान अस्तित्व में आ चुका है। आज मैं चर्चा करूंगा कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस। आज दूसरा पॉइंट है कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से आपके लिए कुछ कार्य करता है तो यह दायित्व तो बनता है जिसके लिए वह व्यक्ति कार्य करता है कि वह कुछ उसको प्रदान करे। तो कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिन परिस्थितियों में संविधान अस्तित्व में आएगा, संविधान बनेगा, लेकिन जहां पर प्रतिफल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बिना प्रतिफल के भी संविधान अस्तित्व में आ सकता है। इसमें है नंबर वन, इसमें इसको हम दो भागों में वॉलंटरली सर्विस और नंबर टू है लीगली कंप्लेबल ड्यूटी। ये दो सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें संविधान अस्तित्व में आएगा लेकिन प्रतिफल के बगैर आ सकता है। वॉलंटरी सर्विस, इसमें वॉलंटरी सर्विस के तहत प्रथम में इसमें आप इफ यू हैव डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर वॉलंटरली, आपने प्रस्तावकर्ता के लिए स्वेच्छा से कुछ कार्य किया है, नंबर वन है For permission, done something voluntarily. और नंबर टू Promises, obligations, done voluntarily। जो दायित्व प्रस्तावकर्ता का हुआ करता था, उस दायित्व का निर्वहन स्वेच्छा से कोई दूसरा व्यक्ति करता है। एट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोमिसर, एट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोमिसर, स्वीकृत प्रस्तावकर्ता की मौजूदगी में ये सारे स्वेच्छा के कार्य संपन्न हुए, संपादित किए गए एट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोमिसर। और जो व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करता है, उस व्यक्ति को प्रस्तावकर्ता कुछ कंपनसेशन देने का भी इरादा व्यक्त करता है। ये चार ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें वॉलंटरली अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति के लिए कार्य करता है तो वहां पर
प्रस्तावकर्ता का यह दायित्व होगा, प्रस्तावकर्ता का यह विधिक दायित्व होगा कि उस कार्य को संपादित करने के पश्चात, उस कार्य को करने के पश्चात वह व्यक्ति के लिए कुछ कंपनसेशन निर्धारित करे। उसी के तहत आता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, जैसे ये और बी में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। मैंने अमूमन क्या देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति प्रस्ताव देगा, दूसरा स्वीकृत करेगा, और प्रस्ताव और स्वीकृति प्रतिफल इसकी मेन कड़ी होगा, प्रतिफल। लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूं कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें संविदा तो बनेगा लेकिन बिना प्रतिफल के भी संविदा बनेगा। बिना प्रतिफल के संविदा का अस्तित्व का निर्धारण होगा, संविदा अस्तित्व में आएगा। तो मैंने पहले कल चर्चा किया था कि बाय लव एंड अफेक्शंस कुछ ऐसे निकटवर्ती संबंध हैं जिसमें, जैसे एक पिता अपने पुत्र को स्नेहवश, प्यारवश यदि कुछ चीज देता है और पुत्र से उसके वजह में कुछ नहीं प्राप्त करता है, तो वहां पर भी ये समझा जाएगा कि संविदा हुआ है, संविदा बन गया है। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि वो संविदा वहां पर नहीं बना है। तो दूसरा जो पॉइंट मेरा है, स्वेच्छा से यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावकर्ता के लिए स्वेच्छा से अपनी इच्छा से, प्रस्तावकर्ता कुछ नहीं कहता कि आप इस कार्य को करो, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से प्रस्तावकर्ता के लिए कुछ कार्य करता है, तो प्रस्तावकर्ता के लिए जब वह व्यक्ति काम करता है और उसके एवज में प्रस्तावकर्ता यह वचन देता है कि हाँ मैं आपके लिए कुछ निर्धारण करूंगा, कुछ दूंगा, तो वहां पर यह माना जाएगा कि कोई जबरदस्ती, कोई जोर नहीं, कोई नियमता नहीं है कि एक दूसरे के मध्य प्रतिफल का निर्धारण होते हुए संविदा अस्तित्व में आया है। स्वेच्छा से भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके लिए कुछ कंपनसेशन, कुछ क्षतिपूर्ति का निर्धारण प्रस्तावकर्ता कर सकता है। जैसे एक का पर्स खो जाता है, एक का पर्स खो जाता है और बी एक के पर्स को प्राप्त करता है, मिल जाता है पर्स, प्राप्त करता है। जब बी को एक का पर्स मिलता है तो बी वह पर्स ए को दे देता है, तो यहां पर क्या होगा कि बी ने ए के पर्स को वापस किया, स्वेच्छा से किया, अपनी इच्छा से किया, किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बी और बी जब पर्स को देता है ए को, तो इसके लिए पहले भी ए के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया बी को कि आप पर्स पाओगे तो आप हमको वापस करोगे। बी को जब ए का पर्स मिलता है तो स्वेच्छा से बी उस पर्स को ए को वापस कर देता है। तो जब बी ए का पर्स ए को वापस करता है तो यहां पर भी ए का यह विधि दायित्व बनता है कि वह बी के लिए भी कुछ क्षतिपूर्ति का निर्धारण करे, क्योंकि बी ने ए के लिए भी कुछ काम किया है। तो यहां पर संविदा बन रहा है। मैंने इस संविदा का बात बताया था कि ए कहता है मेरी एक साइकिल है, इसको मैं 200 रुपए में आपको बेचना चाहता हूं। बी वहां पर कहता है यस। तो यहां पर क्या होता है, ए अपनी साइकिल बी को देता है और बी 200 रुपया ए को देता है। यहां पर संविदा ऐसे बनता है। लेकिन यहां पर सिचुएशन दूसरा है, यहां मैं अपवाद की बात कर रहा हूं कि ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में जिसमें बिना प्रतिफल के ही संविदा का निर्माण हो जाता है। जिसमें मैंने आपको बताया था, पहला बाय लव एंड अफेक्शन, यदि कोई व्यक्ति निकटवर्ती संबंध में पति और पत्नी के बीच, लड़की और पुत्री और अपने पिता के बीच, पुत्र और पिता के बीच, माँ और बेटी के बीच यदि कुछ ऐसे संबंध है जिसमें स्नेहवश यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ प्रदान करता है और दूसरा व्यक्ति उसके अवज में कुछ नहीं भी देता है, तो भी यह माना जाएगा कि संविदा अस्तित्व में आ गया है, संविदा का निर्माण हुआ है, संविदा का सृजन हुआ, संविदा का अभिनिर्धारण हुआ है।
और यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वेच्छा से यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो यह माना जाएगा कि संविदा सूत्र में आया है। तो यहां पर प्रोमिसर के लिए प्रोमिसी ने स्वेच्छा से कार्य किया तो यहां पर कंपनसेशन प्राप्त करने का हकदार भी है। पहला पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी के लिए कोई सेवा प्रदान करता है, कार्य करता है, तो उस सेवा के एवज में वह प्रस्तावकर्ता का दायित्व बनता है उसके एवज में उसको कुछ निर्धारण करे, चाहे 20 रुपए, चाहे 50 रुपए, चाहे 100 रुपए, जैसे पर्स में जैसा मूल्य था उस मूल्य को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति पैसा देता है वापस करता है उसको भी कुछ प्राप्त होना चाहिए, उसको भी उसके द्वारा कुछ दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है लीगली कंप्लेबल ड्यूटी। इसकी हिंदी क्या है? विधिता बाध्यकारी दायित्व। आपको पता है विधिता बाध्यकारी दायित्व क्या है? जैसे पिता का यह दायित्व है कि जब तक पुत्र और पुत्री 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक उसको भरण पोषण करें, उसको पढ़ाएं, उसके ध्यान रखें, उसका देखभाल करें। इसको हम कहेंगे लीगली कंप्लेबल ड्यूटी। विधिता बाध्यकारी दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन यदि पिता नहीं करता है तो पिता के विरुद्ध भी, अभिभावक के विरुद्ध भी कोर्ट में मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, थाने में मुकदमे FIR दर्ज हो सकता है। पता है आपको? पता है ना? नहीं पता होना चाहिए। यह पिता का दायित्व है, विधिता बाध्यकारी दायित्व, बाध्य है वो करने के, वो भाग नहीं सकता। वैसे ही यदि पिता का दायित्व बनता है, विधिता बाध्यकारी दायित्व बनता है कि वह अपने छोटे बच्चों का, अपने अवयस्क बच्चों का, 18 वर्ष की कम उम्र के संतान का वह ध्यान दे, यदि वह ध्यान नहीं देता और उसके एवज में कोई दूसरा व्यक्ति उसका ध्यान देता है तो यह पिता का दायित्व बनता है कि उस दूसरे व्यक्ति को कुछ प्रदान करे, कुछ दे, है ना? इसी की बात है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट यहां पर भी बन रहा है, जैसे एक का दायित्व है कि वह अपने संतान बी और सी का ध्यान दे, ठीक है ना, लेकिन ए अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे पा रहा। यहां पर जो डी है वो बी और सी का ध्यान दे रहा है, दूसरा व्यक्ति ध्यान दे रहा है। तो यहां पर ए का दायित्व बनता है कि वह डी को कुछ दे, क्योंकि पिता का यह दायित्व है कि अपने संतान का ध्यान दे, अपने अवयस्क बच्चों का ध्यान दे, अपने अवयस्क बच्चों का भरण पोषण करे, शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्य करे। यदि वह काम नहीं करता है, अगर कोई व्यक्ति उसके एवज में आकर कोई दूसरा व्यक्ति उसके काम को करता है तो एक का यह दायित्व बनता है कि डी को कुछ कंपनसेशन दे, कुछ धनराशि प्रदान करे, कुछ निर्धारण करे। यहां पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ई और डी में, लेकिन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है। यह एक ऊपर बन जाता है, हमारा कानून निर्धारित कर देता है, हमारा संविधान अधिनियम 1972 निर्धारित कर देता है कि यदि आपके बच्चों के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कुछ अच्छा नेक काम कर रहा है तो यह दायित्व आपका बनता है कि आप उस व्यक्ति के लिए भी कुछ विशेष सोचें, कुछ नेक काम सोचें, यह आपका दायित्व बनता है। इनके बीच संविदा का निर्धारण होता है। कोई इसमें क्या डायरेक्ट एलईडी से कहा था मेरे बच्चों का ध्यान दो? नहीं कहा था। इसमें ये भी नहीं कहा था कि तुम मेरे बच्चों का ध्यान दो तो मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा। इस तरह की कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था डायरेक्ट? कोई कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जैसे ए अपने छोटे बच्चों का ध्यान नहीं दे पाता है, उसके बाद में डी ध्यान देता है, तो वहां पर माना जाएगा कि वहां पर कानून मेरा कहता है, संविदा अधिनियम कहता है कि वह गैर व्यक्ति जो तुम्हारे बच्चों का ध्यान दे रहा है उस ध्यान देने के एवज में वह गैर व्यक्ति का भी दायित्व बनता है कि वह संरक्षक से कुछ प्राप्त करे, जो संरक्षक अर्थात पिता है,
यहां पर हम कहेंगे दोनों के बीच संविदा का निर्धारण होता है, संविदा बनता है, लेकिन प्रतिफल के बगैर बनता है। चाहे उसको आप उससे पूछ लो कि आपने पैसे कितने लिए शिक्षा में, खाने में आपने कितना दिया, अगर 10,000 रुपए खर्च किया तो आपको 2,000 रुपए दे, 3,000 कुछ दे देने का, तो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करो। तो मैं कहूंगा कि आज के इस टॉपिक में पहला मैंने बाई लव एंड अफेक्शन, बिना प्रतिफल के संविदा अस्तित्व में आता है, नंबर 1 बाई लव एंड अफेक्शन, और दूसरा है वॉलेंटरली सर्विस। इफ यू हैव डन समथिंग स्वेच्छा से किसी के लिए आपने किया है, तो वहां पर प्रस्तावकर्ता का दायित्व बनता है कि वह प्रस्तावकर्ता के लिए कुछ करे। ठीक है, थर्ड में आपको पढ़ाऊंगा कि प्रॉमिस डेट पार्ट है।